पब्लिक टीवी आपकी आवाज। रोजगार भारती की ओर से बेरोजगार लोगों को नारियल बेचने के लिए निशुल्क ठेले बांटे गए। इस अवसर पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक जगदीश कुमार ने कहा कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता है। हम केवल रोजगार ही नहीं हर क्षेत्र में स्वावलंबी थे। अंग्रेजों ने हमारी व्यवस्थाओं को बदल दिया। युवाओं को उनके जीवन के लिए सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। तो वहीं नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प के साथ रोजगार भारती की ओर से नारियल पानी बेचने के लिए ठेले बांटना बहुत सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम में मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का कहना है कि युवा नौकरी नहीं स्वयं का उद्योग करें। इस अवसर पर विभाग संघ चालक ओम प्रकाश शास्त्री, वतन कुमार, अजय गोयल, प्रणीत गुप्ता, कपिल, पवन जैन के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। भारती के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है समाज को रोजगार के बारे में स्वावलंबी बनाने, नौकरी की मानसिकता से उभार के स्वयं रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होना, तभी स्वावलंबी भारत बन सकता है। और जब स्वावलंबी भारत बनेगा तो समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत स्वावलंबी बनेगा, और स्वावलंबी बनेगा तो पूरे विश्व में स्वावलंबन का संदेश दे सकता है। किस तरह से शुरुआत की है आज? छोटे छोटे रोजगारों के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाना, साहसी बनाना और पुरुषार्थी बनाना। आरएसएस की एक इकाई है रोजगार भारती, उसका ये संदेश रहता है जैसे कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए युवा को स्वावलंबी बनाना है। एक नैरेटिव चल रहा है और वो हर व्यक्ति अपने आप को, जिसको सरकारी नौकरी नहीं है वह है अपने आप को बेरोजगार बताता है। वास्तव में ऐसा नहीं है, और रोजगार अपने आप करने से वो व्यक्ति अपने कारोबार का मालिक बनता है। और नहीं तो ये पीढ़ी, इस तरह के लोग ये 10-12 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करते, ये केवल नौकर बनते। रोजगार भारती छोटे छोटे ऐसे प्रोजेक्ट चला रहा है। आज इसी श्रृंखला में हमने एक नारियल का पानी जो दक्षिण भारत से आता है उसके यहाँ पर पॉइंट खुलवाए हैं। इस पर हमने पिछले एक साल से लगभग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट हमारे खुले हुए हैं। आज हमने 6 ठेले कुछ समाज सेवियों की मदद से ऐसे बेरोजगार लोगों को मुफ्त में दिए हैं, और उनको वो पॉइंट तय किए हैं कि यहाँ पर ये लगाएंगे, और इससे अच्छी क्वालिटी का नारियल अच्छी स्वास्थ्य के लिए, अपने शहर के स्वास्थ्य के लिए ये हम उपलब्ध भी कराएंगे। इसके लिए जो है हमने ये आज कार्यक्रम आयोजित किया है। आत्मनिर्भर भारत, भारत के प्रधानमंत्री जी का एक विजन के आत्मनिर्भर भारत बने, स्वरोजगार उत्पन्न करना। और रोजगार के लिए जो अंग्रेजों के ज़माने की एक मानसिकता थी कि नौकर बनाओ, अब प्रधानमंत्री जी का है कि नौकरी मत करो, मालिक बनो अपने रोजगार के स्वयं। तो आज उसी कड़ी में मुरादाबाद में रोजगार के अवसर के लिए आज यहाँ पर रोजगार के लिए 6 ठेले नारियल पानी के स्टार्ट करे गए। मुरादाबाद में ऐसे 150 पॉइंट हैं जहाँ पर नारियल पानी की बिक्री होती है, और ज़रूरी नारियल पानी और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। अटल जी ने फेरी नीति एक बनाई थी, उसको अब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ये नहीं है एक ही जगह खड़े होकर करना है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।